हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 13 की 6वां हेडिंग इलेक्ट्रॉन परिवहन के बारे में। अब ध्यान से समझें, इलेक्ट्रॉन परिवहन फोटो सिस्टम सेकेंड में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो फोटो सिस्टम सेकेंड है उसमें अभिक्रिया केंद्र में मौजूद जो होता है वह क्लोरोफिल ए होता है 680 नैनोमीटर वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, तो यह फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यह आपका फोटो सिस्टम सेकेंड है, फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम सेकेंड में जो अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल ए है वह 680 नैनोमीटर वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, इसलिए इसको P680 कहा जाता है। ठीक है, यह जो है जब प्रकाश अवशोषित करता है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर परमाणु नाभिक से दूर चला जाता है। ठीक है, जैसे देखें ध्यान से, यहाँ पे जल H2O जो है वह टूट रहा है दो हाइड्रोजन आयन में और ऑक्सीजन में, और दो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। H2O के टूटने से दो इलेक्ट्रॉन, दो H+ और ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, LHC ये आपका LHC है। ठीक है, LHC का यह आपका दूसरा पार्ट है फोटो सिस्टम सेकेंड PS सेकेंड, जिसका अभिक्रिया केंद्र P680 है, और यह आपका LHC का फोटो सिस्टम फर्स्ट है PS फर्स्ट, जिसमें अभिक्रिया केंद्र P700 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश है सूर्य का, सूर्य का प्रकाश जो है पड़ता है दोनों पे, जिसके कारण जो है H2O टूटता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है। यह इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास पहुंचता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही से, यह इलेक्ट्रॉन ग्राही किसका है, फोटो सिस्टम सेकेंड का P680 का। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रुकता नहीं है, यह इलेक्ट्रॉन ग्राही से इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह से होता हुआ यह LHC में आ जाता है, जो कि फोटो सिस्टम फर्स्ट का भाग है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास पहुँचता है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उपयोग जो है आप देख रहे हैं NADP+ NADP+ को NADPH में बदलने में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जब PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह से LHC के पास आता है, तो इसी दौरान जो है ADP जो है इनऑर्गेनिक फास्फेट से आके जुड़ता है एडनोसिन। ठीक है, ADP एडनोसिन डाइफास्फेट और इनऑर्गेनिक फास्फेट आपस में जुड़कर ATP बनाते हैं। ठीक है, एडनोसिन ट्राइफास्फेट। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ADP प्लस IP ATP बन रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि NADP प्लस चेंज हो रहा है NADPH में। ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया का जेड स्कीम कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें आप देखें यह जेड का आकार बनता है, इस तरह से जेड आकार बनता है, इसलिए इसको प्रकाश अभिक्रिया का जेड स्कीम कहते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन फोटो सिस्टम सेकेंड में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर परमाणु नाभिक से दूर चला जाता है। इसे इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्राही ले लेता है। ठीक है, यह जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे एक इलेक्ट्रॉन ग्राही ले लेता है, और इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें साइटोक्रोम होते हैं पहुंचा दिया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसे इलेक्ट्रॉन ग्राही द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें साइटोक्रोम होता है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, जैसा कि फिगर में हमने आपको बताया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ग्राही सिस्टम तक पहुँच जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रकाश मिलने से इलेक्ट्रॉन निकला H2O के टूटने से, यह इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास पहुंच गया है। ठीक है, साइटोक्रोम तक पहुंच गया है। इलेक्ट्रॉन की यह गतिविधि, इलेक्ट्रॉन की यह गतिविधि अधोगामी है जो अपचयोपचय विभव मापन अर्थात रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के रूप में होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो यह गतिविधि है वह कैसी होती है, अधोगामी होती है, जो कि रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के रूप में होते हैं, अपचयोपचय विभव मापन के रूप में होते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तब उनका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तब उनका उपयोग नहीं होता है, बल्कि उन्हें फोटोसिस्टम पीएस फर्स्ट के वर्णकों को दे दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया जाता है, पीएस फर्स्ट के वर्णकों को दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकला है वह इलेक्ट्रॉन ग्राही साइटोक्रोम के पास आया है, यह फोटोसिस्टम सेकेंड है, P680 इसका सेंटर है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह से होता हुआ यह इलेक्ट्रॉन ग्राही में पहुँच गया है जो फोटोसिस्टम फर्स्ट का है P700 के पास। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तब उनका उपयोग नहीं होता है, बल्कि उन्हें फोटोसिस्टम पीएस फर्स्ट के वर्णकों को दे दिया जाता है। इसके साथ ही साथ पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रॉन भी लाल प्रकाश के 700 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य को अवशोषित कर उत्तेजित होता है। ठीक है, तो पीएस फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन भी जो है वह लाल प्रकाश के 700 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करके उत्तेजित होता है, और यह अन्य ग्राही अणु में जिसका अपचयोपचय रिडॉक्स विभव अधिक हो स्थानांतरित होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पुनः अधोगामी गति करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं पुनः अधोगामी गति करते हैं, परंतु इस बार वे ऊर्जा से प्रचुर NADP+ अणु की ओर जाते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन जो हैं वे अब किसके पास पहुंचते हैं, NADP+ के पास पहुंचते हैं, जिससे यह कन्वर्ट हो जाता है NADPH में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पुनः अधोगामी गति करते हैं, परंतु इस बार वे ऊर्जा से प्रचुर NADP+ अणु की ओर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स NADP+ को अपचयित कर NADPH, ठीक है, NADPH+ को बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की यह सारी योजना पीएस सेकेंड से शुरू होकर शिखरों परिग्राही की ओर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए पीएस फर्स्ट तक इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना, अन्य ग्राही में स्थानांतरण और अंत में अधोगामी होकर NADP+ को अपचयित कर NADPH+ के बनने तक होती है। ठीक है, यह सारी योजना जेड के आकार की होती है, इसलिए इसको जेड स्कीम कहा जाता है। यह सारी योजना जो है वह जेड के आकार की होती है, इसीलिए इसको जेड स्कीम कहा जाता है। यह आकृति तब बनती है जब सभी वाहक क्रमानुसार एक अपोपचय विभव माप पर हों, ठीक है, एक रिडॉक्स पोटेंशियल पर हों, तब यह आकृति बनती है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यह आपका LHC है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो फोटोसिस्टम सेकेंड का है,
यह लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो फोटोसिस्टम फर्स्ट का है। फोटोसिस्टम फर्स्ट में जो ग्राही होता है वह P700 होता है फोटान ग्राही, और जो LSC फोटोसिस्टम सेकेंड में ग्राही होता है वह P680 होता है। ठीक है, तो यह क्लोरोफिल 680 जो नैनोमीटर वाले लाल प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, जबकि PS फर्स्ट में जो क्लोरोफिल है वह 700 नैनोमीटर वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, H2O के विघटन से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वह LSC पहुंचता है फोटोसिस्टम फर्स्ट में, और यहां से यह इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास पहुंचता है साइटोक्रोम, उसके बाद यह इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह में पहुंचता है। इस बीच जो है ADP नागनिक फास्फेट से मिलकर ATP में कन्वर्ट हो जाती है, फिर यह LSC फोटोसिस्टम फर्स्ट से होता हुआ इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास पहुंचता है, और यहां से ऊर्जा जो है ट्रांसफर होती है NADP प्लस कन्वर्ट हो जाता है NADPH में। ठीक है, तो यह जो आकार है एक जेड के आकार बनता है, इसलिए इसको जेड स्कीम कहा जाता है। आप पढ़ रहे हैं अध्याय 13 की 6वीं हेडिंग इलेक्ट्रॉन परिवहन के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि फोटोसिस्टम सेकेंड में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद जो क्लोरोफिल ए है वह 680 नैनोमीटर वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर परमाणु नाभिक से दूर चला जाता है। इसे इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्राही लेता है और इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें साइटोक्रोम होते हैं तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो यह जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉन ग्राही साइटोक्रोम के पास इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह में। इलेक्ट्रॉन की यह गतिविधि अधोगामी है जो अपचयोपचय विभव मापन के रूप में है। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तब उनका उपयोग नहीं होता है, बल्कि उन्हें फोटोसिस्टम फर्स्ट के वर्णकों को दे दिया जाता है। इसके साथ ही साथ पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रॉन भी लाल प्रकाश के 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर उत्तेजित होता है, और यह अन्य ग्राही अणु में जिसका अपोपचय विभव अधिक हो स्थानांतरित होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पुनः अधोगामी गति करते हैं, परंतु इस बार वे ऊर्जा से प्रचुर NADP प्लस अणु की ओर जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन NADP प्लस को अपचयित कर NADPH को बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की यह सारी योजना पीएस सेकेंड से शुरू होकर शिखरों परिग्राही की ओर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए पीएस फर्स्ट तक इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना, अन्य ग्राही के स्थानांतरण और अंत में अधोगामी होकर NADP प्लस को अपचयित कर NADPH के बनाने तक होती है। ठीक है, यह सारी योजना जेड के आकार की होती है, इसलिए इसको जेड स्कीम कहते हैं। यह आकृति तब बनती है जब सभी वाहक क्रमानुसार एक अपोपचय विभव पर काम करते हो। ठीक है, यह सभी वाहक जो हैं क्रमानुसार एक अपचयोपचय विभव माप पर हो तब यह जेड के आकार बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका इलेक्ट्रॉन परिवहन के बारे में। थैंक यू।